संत कवरराम साहिब का 3 दिवसीय 81वां वर्षी महोत्सव 30 अक्टूबर से सादगी से संत कवरराम सिंध धर्मशाला में मनाया जा रहा है। इसके तहत पहले दिन पाठ साहिब को मंजी पर बिठाकर सिंधी कॉलोनी भाई रामचंद्र के गुरुद्वारे से 5 व्यक्ति द्वारा धर्मशाला में स्थापित किया गया, जहां पाठ साहिब जारी है। वहीं स्कूली बच्चों के द्वारा व्हाट्सएप पर जो प्रतियोगिताएं पहले रखी गई थी, उन विजेता प्रतियोगी को घर पर ही पुरस्कार पहुंचाए जाएंगे। वहीं इस बार वर्षी के भोग साहिब पर भंडारे की जगह जरूरतमंदों को खाने के पैकेट बांटे जाएंगे। संत कवरराम वर्षी महोत्सव के उपलक्ष्य में 81 संत कवरराम साहब का वर्षी महोत्सव मनाया, जिसके उपलक्ष्य में हमारे सिंधी समाज की गरीब महिलाओं को हर साल की भांति इस साल भी आटे के कट्टे और एक मिठाई का पैकेट वितरण करेंगे। और यह क्रम बरसों से चला आ रहा है और अभी भी चलता रहेगा। इस बार हमने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान रखते हुए 50-50 औरतों को एक बार में बुला रहे हैं और एक साथ सारी औरतों को नहीं बुला रहे हैं। इस क्रम में धीरे धीरे हम इसको बांटते रहेंगे। और ये प्रथा हमारी वर्षों से चली आ रही है। संत कवरराम साहब के आदर्श हैं कि गरीबों का दान दीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए। ये संत कवरराम सिंधी धर्मशाला हर साल इसी भांति आटा भी बांटती है, दान भी देती है और हर कार्यक्रम करती है। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, मास्क का ध्यान रखते हुए, सैनिटाइज का ध्यान रखते हुए वर्षी उत्सव मनाया गया।